हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है और उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, उसको मैं बताऊंगा। और जो लोग कंफ्यूजन में हैं, इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि रीजनिंग में फेल होने पे वहाँ पे पास कर दिया जाता है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास कर जाते हैं आप, तो नहीं, आप लोग इस बात को कंफर्म कर लीजिए। और क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे इतने इजी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, जिसको कि अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग पढ़े हैं तब भी आप कर सकते हैं। मतलब लेवल ही नहीं होता है उसका। ये तो मैंने थोड़ा सा लेवल ऊपर ही लिया है, इससे भी कम का आता है। और तो इसलिए वो लोग वहाँ रीजनिंग में आपको जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं उसको सही तरीके से करना है और सही आंसर उसका करना है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो आपको सिचुएशन बेस्ड होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बस रीजनिंग के लिए ही थोड़ा सा होता है और ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं उसमें, ये आप लोग समझ लीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को ऐसे लिखा जाता है इस टाइप से, तो उसी भाषा में सर्कुलर को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे कैलेंडर, कैलेंडर को कैसे लिखा गया है? CLANAEDR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसको पहले सी को ले लिया, उसके बाद एल को बाहर कर लिया, उसके बाद ए लाए, उसके बाद फिर एन को यहाँ पे कर दिया है आगे, और उसके बाद फिर ए को, उसके बाद फिर ई, और उसके बाद फिर डी, उसके बाद लास्ट में आर, सेम है लास्ट में ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक एक का गैप करके उसको एक दूसरे के अपोजिट किया गया है, ऐसे किया गया है। तो हम लोग सर्कुलर के लिए देखते हैं इस टाइप का। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सी को ले लेंगे, उसके बाद आर को ले लेंगे, ठीक, आर को ले लिए, उसके बाद आई को लेंगे हम, ठीक, उसके बाद यू को लेंगे, उसके बाद फिर सी को लेंगे, ये सी जो है उसको, उसके बाद हम ए को लेंगे, उसके बाद एल को लेंगे, और फिर आर को लेंगे। ये देखिए, CRIUCALR, CRI कहाँ पे है? CRIUCALR। तो आप लोग सेम ये आंसर कहाँ पे देख रहे हैं? ये आंसर हमको दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो हमारा ऑप्शन डी ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में न्यूज़पेपर को इस टाइप से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंस्पेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिखा कैसे गया है इसको, NEWSPAPER। तो इसको लिखा गया है, देखिए क्या ही हुआ है, जो न्यूज़ है आपका फर्स्ट वर्ड है, उसको क्या किया गया है, सबसे पहले न्यूज़ को के बदले में एस को सबसे पहले लास्ट वाले को, उसके बाद डब्लू को, उसके बाद ई को, उसके बाद एन को, ऐसे किया गया है, आप लोग देख रहे हैं, स्वेन, ठीक है। अब हम पेपर में आते हैं, अलग अलग हम करेंगे, पेपर में आते हैं। तो पेपर में क्या किया गया है कि पी के बाद सीधा जो लास्ट वाला आर है उसको लाया गया है, ठीक है, हो गया। उसके बाद ई को, जो ये ई है उसको इधर ला दिया गया है, उसके बाद पी को किया गया है, और जो आर है, जो पी को यहाँ पे करके, और उसके बाद जो आर है, सॉरी, जो ए है उसको सबसे लास्ट में किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, पी, उसके बाद सबसे लास्ट वाला आर यहाँ पे आ गया, उसके बाद जो ई है उसको लाया गया, ये साइड वाले ई को, उसके बगल में पी को इधर कर दिया गया, ठीक है। तीन से ई चौथे नंबर पे है तो इसको तीसरे पे ला दिया गया है, और पी को चौथे पे, और सबसे लास्ट में जो ये ए बच रहा है इसको ला दिया गया है। तो इस टाइप से हमको करना है। सबसे पहले हम INSP को अलग करेंगे, तो इसको करेंगे, तो सबसे पहले हम पी लेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा एस, उसके बाद हमारा एन, एंड देन आई, ठीक है। तो ये तो सब में आपको दिखेगा, कॉमन है ये बिल्कुल, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अलग करते हैं, ठीक है। अब हम ECTOR, ECTOR इसको करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ई को ले लेंगे, उसके बाद आर को ले लेंगे, और उसके बाद ओ को ले लेंगे, टी को ले लेंगे, एंड देन सबसे लास्ट में सी को ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा इसको फॉलो करता है। तो PSNI तो सब में कॉमन है इसको, उसके बाद इसमें देखते हैं ई, देन आर, देन ओ, देन टी, देन सी, मतलब कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल इससे मेल खाता है, मतलब सेम टू सेम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारा है, किसी कूट भाषा में ब्रोक को 53196 और ड्रीम को 73624 लिखा जाता है, ठीक है, इन दोनों को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रोड को क्या लिखा जाएगा? तो सिंपल है, आपको यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग का मतलब क्या है किसी भी तरह से उसका आंसर आना चाहिए हमारा। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ब्रोक को 53196, इसमें देखते हैं आर कॉमन है क्या, आर में 3 आ रहा है, जहाँ पे आर है उसके सामने 3 ही आ रहा है, आर यहाँ पे भी है सेकंड नंबर पे तो 3, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे 3, ठीक। उसके बाद ओ को भी देखा, ओ को देखा जाए तो वो 9 है, तो हम सबसे पहले रोड यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक, रोड, ठीक है। अब हम आर के लिए, आर के लिए 3 ले लेते हैं, उसके बाद हम ओ के लिए 1 रख लेते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा है ए और डी, तो ए है हमारा, अगर यहाँ पे ए की बात की जाए तो ये हमारा 2 हो जाता है, ठीक है, और डी की बात की जाए तो डी हमारा 7 हो जाता है, 3127, कहीं दिख रहा है क्या, 3127 हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे रीजनिंग का मतलब क्या, किस आंसर भी कभी कभी देखकर उससे भी जवाब आपका मिल जाता है, तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 6 उसके बाद 18 और उसके बाद 4 के बराबर कौन सा होगा, 6 के बराबर तो 18 है, ठीक है, और 4 के इक्वल कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमको 6 है, तो किस तरह से अगर हम 18 माइनस 6 करते हैं तो हमारा बचता है 12, ठीक है, ठीक है। अभी हम इसमें ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा उसके मुताबिक आ रहा है हमारा, ठीक है। अभी हम 12 में प्लस कर देंगे अगर 4 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 16, समझे आप लोग, समझ गए होंगे, मुझे तो पूरा उम्मीद है। देखिए क्या क्या, मैंने 18 से माइनस किया 6 को तो 12 बचा, 12 को मैंने ट्राई किया 4 के साथ तो 16 आ गया, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन, ये है हमारा कि 18225 वाट, उसके बाद 64, उसके बाद 45, तो यहाँ पे हमको जहाँ पे वाट का साइन है वहाँ पे बताना है कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा 5 है, 1 है, 8 है, ठीक है, ये तो है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं 8 से, ठीक है, तो 8 से हम स्टार्ट करते हैं, तो 8, 8 के अगर सामने बिल्कुल देखें हम तो 64, मतलब 8 का स्क्वायर बराबर 64, ठीक है। 2 का स्क्वायर देखते हैं हम जब, तो 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर हम देखते हैं तो 25, ठीक है, ये तो हो गया कंफर्म। तो हमारा 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब हमारा आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिए यहाँ पे बताना है क्या होगा, बाकी सब आपके सामने है नंबर्स, तो यहाँ पे हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इसको 20, देखिए मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, 40 प्लस 5 जो ये दोनों हैं, ठीक है, उसमें माइनस कर देना हमको 43 जो सबसे लास्ट वाला है, बराबर आ जाता है हमारा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाता है, ठीक है। सेकंड है हमारा 22 प्लस 2 माइनस 23 बराबर 1 आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हमको करना है, क्या करना है, 21 प्लस 1 22 हमारा हो जाएगा -20 बराबर 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हमारे पास ब्लड रिलेशन के भी होने चाहिए, लेकिन अभी मैंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन और टॉपिक के लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसको कि अभी मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द वो वीडियो मेरे चैनल पे आएंगी, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। और एक बात मैं बता देता हूं आपको, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत ही कम टाइम पर, लेकिन इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं, और क्वेश्चन भी क्या 5-6 क्वेश्चन आने होते हैं, तो ये लोग इसी से सेट करते हैं, ठीक है। तो बस यही आप लोगों को ध्यान रखना है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लड रिलेशन के बारे में अच्छे से बता दूंगा आप लोगों को, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ब्लड रिलेशन में बहुत लोगों को परेशानी होता है, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।